आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस, क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हिच हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म रेसिमेट ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, और ऑप्शन क्या-क्या गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 1-bromo-1-phenylethane, सेकंड ऑप्शन है n-propyl क्लोराइड, एंड सी ऑप्शन है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, एंड डी ऑप्शन है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। तो ये सभी चार ऑप्शन हमें गिवन है और हमसे पूछा गया है कि इन चार ऑप्शन में से मैक्सिमम टेंडेंसी रेसिमेट बनाने की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में किसकी होगी। तो चलिए एक बात सॉल्यूशन कर रहे हैं इन सबका। तो बात की जाए, हमें इन सभी ऑप्शंस में क्या गिवन है, ये सभी के सभी एक अल्काइल हैलाइड्स की कैटेगरी के ऑप्शंस हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स यानी कि RX, अल्काइल हैलाइड्स, ये अल्काइल हैलाइड है। अगर इनकी अल्कलीन हाइड्रोलिसिस करवाई जाए, यानी कि अल्कलीन हाइड्रोलिसिस का मतलब है Na+H2O, ये अल्कलीन हाइड्रोलिसिस के लिए हम रिजेंट लेते हैं। तो अगर इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो रिएक्शन कैसे होगी, तो इसका प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो हमें प्रोडक्ट मिलता है ROH। बट ये प्रोडक्ट कैसे मिलता है, ये SN1 मैकेनिज्म से मिलता है। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म से मिलता है। SN1 मैकेनिज्म में दो स्टेप्स में रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट की बात करें तो ये RX का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है और क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है प्लस X नेगेटिव। अब ये कार्बोकैटायन जो बना है इसकी बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी इस रिएक्शन के कंडीशन को डिफाइन करने के। तो आर पॉजिटिव की बात करें, आर पॉजिटिव जो कार्बोकैटायन है, तो रेसिमेट बनाने की टेंडेंसी टू रेसिमेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। तो ये इस स्टेप का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितना स्टेबली कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही रेसिमिक मिक्सचर बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और स्टेप टू में क्या होता है, स्टेप टू में सिंपली आर पॉजिटिव पर अटैक होता है, इसी कार्बोकैटायन पर अटैक होगा OH नेगेटिव का, जो कि सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा और ROH बन जाएगा। तो इस वे में हमारा ये जो है रिएक्शन होती है SN1 मैकेनिज्म से। तो बात की जाए, हमें क्वेश्चन में पूछा गया टेंडेंसी टू फॉर्म रेसिमेट और रेसिमेट की टेंडेंसी पूछी गई। तो टेंडेंसी टू रेसिमेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म, यानी कि कार्बोकैटायन जो भी बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि वो रेसिमेट बना हुई कितनी इजिली रेसिमेट बना पाएगा। और चलिए अब चार ऑप्शन का कार्बोकैटायन की बात कर लेते हैं। अगर जिस भी इन चार ऑप्शन में से जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही रेसिमेट बनाएगा सबसे ईजिली। तो सबसे पहले फर्स्ट को लेकर चलेंगे 1-bromo-1-phenylethane को। तो 1-bromo-1-phenylethane क्या होता है, अगर बात की जाए 1-bromo-1-phenyl, तो अगर यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा दिया जाए, ये हमारा फिनाइल हो गया और यहाँ पर एक पे 1-bromo-1-phenyl यानी कि यहाँ पर ही ब्रोमीन है और बचा हुआ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो उसका कार्बोकैटायन क्या होगा, इसका कार्बोकैटायन होगा सिंपली Br को रिमूव कर दो और वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, तो कार्बोकैटायन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा इसका। तो ये हमारा कार्बोकैटायन बना। तो इसकी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी अब देखेंगे हम, इसको एज हम फर्स्ट मार्क कर देते हैं। अब एन प्रोपाइल क्लोराइड को देखते हैं, एन प्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है, तो एन प्रोपाइल क्लोराइड होगा CH3CH2, प्रोपाइल की बात की गई है तो CH2Cl। तो एन प्रोपाइल क्लोराइड का कार्बोकैटायन क्या होगा, CH3CH2CH2 पॉजिटिव, तो इसको सेकेंड मार्क कर देते हैं। अब बात करी जाए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा हमारा C, और यहाँ पर हम लगा देंगे क्लोरीन को और यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन। तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, इसका कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, CH3, यहाँ से रिमूव हो जाएगा Cl, तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा, इसको हम थर्ड मार्क कर देते हैं। अब बात की जाए फोर्थ ऑप्शन नियोपेंटाइल ब्रोमाइड की, तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड क्या होगा, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड होगा ये थर्ड है हमारा, और नियोपेंटाइल ब्रोमाइड क्या होगा, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड होगा हमारा ये हमारा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड होगा। तो इसका कार्बोकैटायन किस प्रकार से बन रहा है, इसका कार्बोकैटायन हमारा बन रहा है इस प्रकार से, पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर देगा।
तो ये हमारा फोर्थ कंपाउंड हुआ। अब हमें डिग्री चेक करनी होगी कार्बोकैटायन की, क्योंकि कार्बोकैटायन का 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज़्यादा होती है और 1 डिग्री से ज़्यादा होती है, यानी कि ये ऑर्डर फॉलो होता है। तो जिसका भी ये ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला, तो वो ही सबसे ज़्यादा रेसिमेट बनाने की टेंडेंसी रखता होगा। तो अब बात की जाए फर्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबलाइज है विद रेजोनेंस, क्योंकि ये जो हमारा फिनाइल रिंग है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, और साथ ही साथ ये 2 डिग्री भी है, तो ये 2 डिग्री है और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है यहाँ पर, तो ये 2 डिग्री और आर लिख देते हैं। यहाँ पर ये 1 डिग्री है और 1 डिग्री ओनली 1 डिग्री स्टेबलाइजेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर बात कीजिए यहाँ पर भी 2 डिग्री स्टेबलाइजेशन है बस, इसके अलावा कुछ है रेजोनेंस यहाँ पर नहीं है, तो ये 2 डिग्री हुआ। अब बात की जाइए फोर्थ कंपाउंड की, तो फोर्थ कंपाउंड भी 1 डिग्री है ओनली, और यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, और ए में मैं देख पा रहा हूँ कि 2 डिग्री है ऊपर से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसका होगा, ए कंपाउंड का, यानी कि 1-bromo-1-phenylethane का। तो इसी तरह से 1-bromo-1-phenylethane अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा है, तो उसकी टेंडेंसी रेसिमेट बनाने की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने ये पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि टेंडेंसी रेसिमेंट बनाने की 1-bromo-1-phenylethane की सबसे ज़्यादा होगी। तो थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।